एक
शुरू से ही मेरे आने से बहुत लोग प्रेम से सूरज देखिए एक नेचर होती है, नेचर की धनी है। मैं तो सूरज जब भी मुलाकात हुई है और मैंने शुरू से देखा, कई बार ऐसा होता है, कई बार आदमी सालों से मिला हुआ है फिर भी एक नहीं होता। कई बार एक आदमी फर्स्ट टाइम मिलता है ना, फर्स्ट टाइम में ऐसी फाउंडेशन और ऐसी फीलिंग आ जाती है कि वो लगता है कि हमेशा के लिए उनमें बाल्य होंगे। धन्यवाद सर। और वो अलग बात है कि इनके बारे में शायद मुझे मौका मिलेगा काम करने का, अगले फिल्म जिंदर से कम है दोनों काम करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और पहली बार कविता जोशी फैमिली भी आई है, भाभी हैं, इनके भाई हैं, बड़ा सबकी सबकी शुभकामनाएं होने चाहिए। कहते हैं ना कि सबसे पहली चीज घर से शुरू होती है और घर से जब आशीर्वाद चाहिए तो आगे बढ़ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल का नाम है कविता जोशी ऑफिशियल और हीरोइन है कविता जोशी और हीरो है आदित्य। और इनका जो एफर्ट्स है तो इनको आप पिक्चर पे जरूर देखिए, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। पिक्चर में जो सीन अच्छा नहीं लग रहा है उस पर भी अपना एक राय दी, आपका हक बनता है कि ऑडियंस अपने क्रिटिक्स के तौर पर रखे, उससे आर्टिस्ट को हौसला मिलता है, बनाने वाले को हौसला मिलता है कि आगे भी चीज को दूर करें। जो भी इन्हीं शब्दों के साथ में फिर एक बार फिर कविता जोशी का धन्यवाद। थैंक यू। नहीं थैंक यू सर, हमेशा सपोर्ट करते हैं, जब भी सर आए हैं तो मतलब बहुत अच्छे से ही सब कुछ की हाँ करना चाहिए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो ऑलवेज मतलब हालांकि मैं 5:30 बजे टाइम दिया मैं भाग रहा हूँ तो वो छोड़ के बाहर तो बल्कि मेरा ड्राइवर सर बढ़िया लगे तो लगा सोती यार कपड़े तो बदल लूं तो लेकिन खुशी है नए नए आर्टिस्ट मिल रहे हैं। एक टीम जैसे बाल्यान जी ने बताया सही बात है, एक टीम बनी है, उस तरह टीमें बनती रहनी है, अच्छे काम के लिए बननी चाहिए और इंडस्ट्री तभी चलती है, तभी हमारे ऑडियंस खुश रहेंगे और जब ऑडियंस खुश हैं तो हमारी प्रोड्यूसर भी खुश होंगी और हमारे टेक्नीशियन सारे खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतनी देर सुना, मुझे आपने हमेशा हमारी फिल्मों में देखा है भंग किया जाता हो, इसके बाद वहां से अलाव भी कविता को इससे बहुत नुकसान हुआ है, कविता को मतलब जानकी जोशी जी को जो इसके प्रोड्यूसर है उनको बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि तीनों एकदम ये ट्रेंडिंग पे जानी चाहिए थी फिल्म लेकिन रुक गई उसके बाद आ जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा हमारे जो दर्शक साथी है हाँ मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारी इस लाइव को देख रहे हैं इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, बहुत शानदार फिल्म बनी है और संदेश भी है फिल्म के अंदर, ये बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं और संदेश है इस फिल्म के अंदर, जरूर देखिएगा। और पूरी टीम को सारी की सारी टीम है यहाँ, राजीव बोलजा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ है, राजीव बोलजा के म्यूजिक देने वाले धनेश जी यहाँ है जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। मैं इसलिए बीच में इसीलिए खड़ा हो गया था कि मैं देखिए किसी भी फिल्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक। आप कितनी भी बढ़िया फिल्म बना लीजिए, कितने भी अच्छे डायलॉग बोलेंगे लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं तो पिक्चर आपकी देर हो जाती है। जिसमें की धनेश जी का नाम पहले भूल गया, इनका बड़ा नाम फेमस है और म्यूजिक का बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिया उन्होंने और गाने तो अच्छे फेमस है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद एक दो गाना मुझे दे दें बढ़िया बना जो फिल्म में जैसे पायलन जी ने बताया जहाँ एक सेंटीमेंट जुड़े हो सेंटीमेंट के साथ चीजें बनती हैं तो भगवान जरूर उसको आगे बढ़ाएगा, कामयाबी दिलाएगा, हौसला दिलाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो कामयाब फिल्म हो चुकी है और अब दोनों जो कलाकार हैं फिल्म के आदित्य राठी एक नए लड़के को मेरे कहने के बाद कविता ने इसके अंदर मौका दिया, आगे दूसरे नए लड़कों को भी मौका मिलेगा, दूसरे लड़कियों को भी मौका मिलेगा और लोगों को भी फिल्म में मौका मिलेगा आदित्य राठी के रूप में एक नया, जैसे कि ओपी राय जी ने बिल्कुल मोहर लगा दी है कि ऐसा हीरो मिल गया है जो लंबा चलेगा
तो बहुत अच्छी बात है। और आदित्य के पास लगातार ऊपर भी आ रहे हैं काफी काम के, तो कविता का इस मामले में बहुत शुक्रिया। और ओवरऑल जो हमारी पूरी कास्टिंग थी, आकांक्षा चौधरी जिसने स्टोरी भी लिखी थी, उसने जबरदस्त बहन का रोल करके बिल्कुल बॉलीवुड का उसने टक्कर दिया है, वो ही उसका। बाकी सब लोगों का अच्छा रोल रहा है, सचिन धनखड़ ने बहुत अच्छा किया, और सबसे ज्यादा विक्की काजला भाई को वो नहीं है अभी, बहुत बहुत बधाई। इतना सेंटिमेंटल रोल उन्होंने किया और बाद में जो सेक्रीफाइस लेवल पे वो आया, उसको जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, वास्तव में अल्टीमेट। और मैं कहूंगा कि हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर विक्की काजला जैसी देसी बॉय बड़े फेमस व्यक्ति है, उन्होंने फिल्म में आना स्वीकार किया, गर्मी बहुत थी और हाँ उन्होंने जो है फिर भी एक छोटे से गाँव के अंदर रह के, हालांकि कविता ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट रोल कर रहा है। बाकी जो है बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया और चार चांद लगाए। हैट्स ऑफ विक्की। और राजेश खन्ना जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर फिल्म बना के दी है और मजा आ गया। आज सभी लोगों ने फिल्म देखी, बहुत तारीफ करी, सुपर अड़चन है तो बहुत सारी आई, कोई बात नहीं, उसे भी झेल लिया, अब तो सब ठीक है। तो साथ में विजेंद्र सर और राजेश, अब आप डिसाइड करो। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर के रूप में चुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सर ने बहुत अच्छी फिल्म निकाली है, और मतलब गाने तो मैंने हमेशा किए, फिल्म पहली बार मैंने किए साथ में, तो बहुत मजा आया काम करके और बहुत अच्छा लगा। और पूरी सपोर्टिव टीम सोनी ब्रोस नंबर वन, बहुत ही अच्छे से काम हुआ सारा। और अभी आज फिल्म रिलीज भी हो गई है, तो सभी लोग देखिए, जिसने नहीं देखी हम तो यही बोलेंगे सुबह से। जिस काम में जुड़ते हैं तो पूरे दिल से पूरे से करते हैं। मैंने पोस्टर देखे हैं, जनरली कहीं तो पोस्टर बनाकर लोग फिनिश करते हैं, ये मैं देख रहा था कंटिन्यूअसली, कभी कुछ कभी पोस्टर कभी कुछ, तीसरी बार भी बैठा आदमी का एक ये सारे इन्होंने बार बार लट रखा पोस्टर 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 और सारा इन्होंने अकेले मतलब इतना मतलब पूरा लेके चले है ना, जो पूरी टीम को पूरा रामानंद सागर कुछ ना कुछ भयानक हो रहा है। और विजेंद्र जी तो एक फनी डायरेक्टर है, बिल्कुल मजाक में हंसते हंसते काम ऐसे निकलवाते हैं चुटकियों पता नहीं चलता है जी। और बस दाढ़ी में जो लगाया हुआ था वो भी पहुंच गया, सर पर धो दी और ब्रश भी फेंक दिया। सर चलो सिर्फ सबको यही था, डेडिकेशन थी हमारे अंदर कि बढ़िया प्रोडक्ट बना के देना, हर कोई अपना 100% देना चाहता था और वो सबने किया और मैंने भी किया। तो
अभी मेरे साथ हैं धनेश जी। इस फिल्म में जितना भी आपने म्यूजिक देखा होगा और एक सैड सॉन्ग देखा होगा और म्यूजिक जितना भी धमाकेदार, वो है धनेश जी ने दिया, तो हमारे साथ है। सभी को नमस्कार। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब ये फिल्म मुझे मिली थी करने को, मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे ज़्यादा देसी फिल्मों में इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस भी किरदार ने अपना काम किया है, खासकर जो कविता जी की एक्टिंग थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया, पहली बार देसी फिल्म में मैंने म्यूजिक किया था, तो मैं कोशिश की कि जैसे जैसे इस सारी टीम ने मेहनत की है, खासकर हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया फिल्म को बनाया है, उस तरह से मैंने म्यूजिक को हर सीन के हिसाब से देने की कोशिश की। कविता जी ने काफ़ी समय दिया मुझे समझाने में, अपने विचार रखने में, और मैंने उसी तरह से मेहनत की। दो बजे तक धनेश जी के स्टूडियो में बैठ के तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया काम करने में। और जैसा मैंने दिल में सोचा था कि मुझे एक अच्छा काम करके देना है, दिल जीतना है, वैसा प्यार मुझे मिल रहा है। फिल्म बहुत अच्छी है, अब तो आप लोग देख भी चुके हैं। आप फिल्म अपने अपनों को दिखाइए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका एक बहुत प्यारा सैड सॉन्ग है जो इन्होंने गाया है, तो आप सभी ने देखा होगा। ये थोड़ा थोड़ी सी एक लाइन एक बार गा के सुना, जो पार्ट 2 में और 15 मिनट और 30 मिनट पर आता है, वो जरूर कर रखे हैं। इस सैड सॉन्ग को क्या है, राजीव राजीव अजनबी जी ने लिखा है, तो गाया थे नेश जी। दो लाइन मतलब से करती है दुनिया, हो मतलब से करती है दुनिया, प्यार ये हमने देख लिया। होता है आजकल रिश्तों का व्यापार, ये हमने देख लिया। होता है आजकल रिश्तों का व्यापार, ये हमने देख लिया। मतलब से करती है दुनिया, हो यही गाना है दोस्तों। आप इसे बहुत ही प्यारी लाइन है इसकी, मतलब से करती है दुनिया प्यार ये हमने देख लिया, बहुत ही सुंदर लाइन है। आदित्य राठी वो भी साथ में है, तो अभी सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब आदित्य से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये आदित्य आपने देखा होगा अमर के किरदार में गीता में। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं कविता जोशी जी और विकास बालियान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और उसके बाद ये रोल अदा करने में पूरी टीम का बहुत सहयोग और बहुत मेहनत रही, जिसके बाद मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर पहली बार है, कुछ गलतियाँ या कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई हों, तो आपका अपना सुझाव ज़रूर दें, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से वो गलतियां ना हो, और मैं अपने किरदार जो आगे होंगे उन्हें इससे भी अच्छी तरह निभाऊंगा। बाकी मैं आप सभी लोगों के बीच में से निकला हुआ एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला, गांव से बिल्कुल सिंपल सा एक युवा हूं, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सराहनीय है। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया है और सबको पसंद भी आया है इसका रोल, और हम बस यही बोलेंगे कि आदित्य ऐसे ही आगे बढ़े। सचिन आजा तू भी। सचिन आओ भाई, ये फोटो तो ले ले कर। सुबह चार बजे उठा के आके दिया। सतीश ने दूसरी कर ली क्या? हो सतीश ने दूसरी कर ली हमारी पूरी फिल्म के जो भाग पूरी डोर होती है ना, सबको संभालना, पूरा प्रोडक्शन, कब खाना, नाश्ता, चाय पानी, सुबह 3 बजे, 3:30, 4 बजे, सब कुछ जो सुबह से स्टार्ट हो जाता था, वो सिर्फ सचिन और सचिन ने इसमें पहला प्रोडक्शन था मेरा, काफी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा किया। और इससे पहले एक प्रोडक्शन और कर चुका हूँ मैं, देसी रफ्तार यूट्यूब चैनल है, उस पर एक सॉन्ग था, उस पर मैं एक प्रोडक्शन करा, सेकेंड मेरा ये था, और इसमें काफी अच्छे मुझे प्रोग्रेस मिली, रात दिन जागने की।
सबसे बाद में जाग सोना और सबसे पहले उठना मुझे। हाँ। और मेरे से सबसे ज्यादा परेशान थे इस फिल्म में हमारे डी ऑफिसर क्योंकि ये कितने बजे जाते थे इनके कमरे में जिस टाइम भी आप खुल गई ये बेचारे एक दिन इन्होंने ये सेविंग करने के लिए जा रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ से लेट आइए तो मैं अभी चले जो मेरी वाइफ बनी हुई है वो ऐसी है कहने लगे मुझे पूरी फिल्म में जो है चुगली कोर का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छे से संभाला है सब कुछ। सुबह ही सचिन मुझे रात ही बोल देता था सुबह कितने बजे उठाना है सबको मैं बोल देती थी, मैं इसको टाइम बोल देती थी और ये जाके उतने बजे उठा था। सभी से निवेदन है कि कविता जोशी ओटीटी चैनल पे जो फिल्म आई आज गीता, इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब बढ़वाने में आपने देखा होगा हीरो के फादर का किरदार निभाया है अमर के फादर का, तो जो इनकी वाइफ बनी है वो थोड़ा सा शक्की टाइप की और होता है ना वो किरदार है, देख ली होगी फिल्म। तो जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है और उसे एहसास होता है कि हाँ उसने गलती की है तो वो माफी मांगती है उसके बाद का ये डायलॉग और उमदराज रोल भी करती हैं, बहुत प्यारी हैं और व्यवहार की भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी धर्मपत्नी का रोल इसमें किया था और शक उन्हें बहुत ज्यादा रहता था, तो जब लास्ट में चीजें खुल जाती हैं और मैं कहता हूँ कि मैं गीता का विवाह कराऊंगा डॉक्टर के साथ और उसमें कन्यादान बाप बनकर करूंगा, उनकी आंख खुल जाती हैं और वो माफी मांगती हैं है मेरी पत्नी और मैंने उसे लव मैरिज भी की थी हरियाणा से लेके आया मैं उनसे फिर जब वो बहुत भावुक हो जाती हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ निर्जा ए निर्जा और सभी जानते होंगे कि कविता जी की फिल्म आई है गीता, तो गीता ने अशांति कर दी है गीता पढ़ने से शांति होती है वैसे लेकिन फिल्म से अशांति सभी लोगों से निवेदन है कि फिल्म अच्छी है, उन्होंने देखी है, बंदी भी देखी है, बहुत मेहनत की गई है तो सभी देखें, अपना आशीर्वाद दें और अच्छा कार्य हुआ है हरियाणा के अंदर, एक फिल्म के अंदर एक संदेश है, मेहनत है और सभी सफल बनाए, यही शुभकामना गुरु जी को, विजेंद्र जी को और बाध्यान जी को जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है और कविता जी को, प्रोड्यूसर हमारी कविता जी की माता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बेटी की तरह देखा कभी शॉर्ट फॉर्म
तो आपने बहुत सारे गाने, जितने भी गाने सोनी ब्लूज के आते हैं सब में कविता जी असिस्टेंट करती हैं, तो प्रियंका बताओ फिल्म का थोड़ा सा, मतलब कविता जी के साथ हमारी पहली मूवी है, गाने तो काफी हैं, हाँ सॉन्ग्स तो बहुत सारे किए हमने, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सॉन्ग्स के दौरान और हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे, तो मूवी में बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने मतलब हर मूवी में क्या होता है या किसी भी सेट पे शूट पे क्या होता है कि हर चीज़ हमें अरेंज करनी होती है, खाना अच्छा क्या लिया है ये वो, तो वहाँ पे हमारा आधे से ज्यादा काम कविता जी संभाल रही थी, इनकी टीम संभाल रही थी, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई वहाँ पे कि चलो बच गए काम से, तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने कोऑपरेट किया हर चीज में और बहुत ही अच्छी बड़ी मूवी बनी है। एकदम गर्मा गर्म खुली हुई रोटियाँ मिलती थी, लास्ट में गुड़ मिलता था और वो लड़का था एक जाके हर खाना खाने के बाद भी बोलता था एक और ले लीजिए एक और, मतलब बहुत ही अच्छी सर्विस वहाँ मिली हमें, थोड़ा डीओपी सर के बारे में और बताओ। और डीओपी सर की बेरी तो इतनी खटपट हुई है ना चेहरे पे इतनी कोमलता शांति ले, आप लोगों को छोड़ा भी है ये तो आपने बिल्कुल क्रूर सा चेहरा होना चाहिए सर, हमारी किसी में तो मर मिटे सब, मतलब फिल्म में मजा आया, यकीन नहीं करता कोई भी, आपने सभी इतने सजा रखे सबके सामने आ गई, मतलब मैं डीओपी सर को ये पूछती थी इसमें फिल्टर लगाया गया, बोला तू हमारा मत पूछती थी तो इनको लगता था मैं कुछ बोलूंगी, तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ फिर मैं इनको कभी कभी बोलता एक तो भाई का नाच याद है काम करने लगा और ऊपर से मेरा जाओ जब तक बहुत ही हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छी फिल्म शूट हुई है, रिलीज हो चुकी है और कविता जोशी ऑफिशियल चैनल, हाँ और बहुत सारे व्यूज भी हो गए हैं ना, पूरी मिला के मिलियंस होने वाले हैं। सुबह बस थोड़ा सा दिक्कत आई, घोड़ा गया वो बहुत बड़ी दिक्कत थी, अगर वो नहीं थी तो शायद ट्रेंडिंग में आ जाती है, मिठाई खा के जाओ, ये अभी खुली है, अभी खुली है नहीं, ठीक है जी सबको नमस्ते बाय बाय, नमस्कार जी, तो ठीक है सर बाय बाय बाय।